विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, ए बी इक्वल्स वन है, बी सी इक्वल्स टू, सी ए इक्वल्स थ्री, तीन इक्वेशन दिया है। इन तीनों इक्वेशंस के थ्रू हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन इक्वेशन है, इन इक्वेशन को नेम दे दो इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और ये थर्ड वन। ठीक है, और इक्वेशन वन टू थ्री तीनों मल्टीप्लिकेशन कर दो अपने आप में, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई इक्वेशंस वन मल्टीप्लाइड विथ टू मल्टीप्लाइड विथ थ्री, तीनों मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ बनेगा ए इंटू बी टाइम्स बी इंटू सी टाइम्स सी इंटू ए। लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में ए बी का वैल्यू वन है तो वन टाइम्स बी सी वैल्यू टू है तो टू फ्रॉम इक्वेशन टू, और सी ए का वैल्यू थ्री है फ्रॉम इक्वेशन थ्री तो थ्री रखो। ठीक है, तो ये और ये स्क्वायर हो गया, ये बी और ये बी बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर सी भी दोन बार है तो ये सी स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो इक्वल्स वन इंटू टू इंटू थ्री, मीन्स यहाँ पर क्या बन रहे सिक्स। तो ये बनते हैं ए बी सी सब दो दो बार है तो ए बी सी होल स्क्वायर हो गया इक्वल सिक्स। अगर हमें स्क्वेयर रूट अगर ले लिया तो ये स्क्वेयर हम निकाल सकते हैं, तो दोनों तरफ हम स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तभी ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट सिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सब पॉजिटिव में है इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे। ए बी सी इज इक्वल टू रूट सिक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर फोर कहेंगे। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हमें मिला। अभी हम ए प्लस बी प्लस सी के अगर हमें यहाँ तक अगर जाना है तो हर एक ए का वैल्यू इंडिविजुअली, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें मालूम पड़ा तो हम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन पे फोकस कर दो, फोकस ऑन इक्वेशन वन, वो क्या है, ए इंटू बी इक्वल्स वन है। ठीक है, तो अगर हमें ए का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम बी से डिवाइड कर दो तो ए बी और ए बी दोनों निकल जाएगा, तो हमें मिल रहे ए इक्वल्स वन डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अगर हमें सेपरेटली बी का वैल्यू अगर चाहिए तो इक्वेशन नंबर टू है तो वो क्या है, बी इंटू सी इक्वल्स टू है, राइट। तो बी का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ सी से इसे डिवाइड कर दो तो ए सी निकल जाएगा, तो बी इक्वल्स हमें मिल रहे हैं टू डिवाइडेड बाई सी, तो बी का वैल्यू मिला। सी का वैल्यू अगर चाहिए तो सी इंटू ए इक्वल्स इक्वेशन नंबर थ्री, थ्री है तो सी का वैल्यू अगर चाहिए तो दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो और ये निकल जाएगा, तो हमें ओनली सी का वैल्यू यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा तो थ्री डिवाइडेड बाई ए। तो ए का वैल्यू वन बाई बी, बी इज़ टू बाई सी, सी इज़ थ्री बाई ए, तीनों मिल गए हमें। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों का एडिशन चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसे यही इसका ही वैल्यू हमें निकालना है। तो ए इज़ वन बाई बी प्लस बी इज टू बाई सी प्लस सी इज थ्री डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए बी सी सब फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पर अगर एलसीएम लिया तो ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म में फ्रैक्शन है वन डिवाइड बाई बी, ये बी ए बी को कट कर दो तो ए इंटू सी रिमेनिंग रहेगा। ए इंटू सी से न्यूमरेटर में वन है, वन के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो वन टाइम्स ए इंटू सी रहेगा, वन टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, ए इंटू सी उतना ही हम लिखेंगे, प्लस ए प्लस है प्लस। अभी सेकेंड टर्म में सी है डिनोमीटर में, ए डी सी और ए सी कट हो गया तो ए बी रिमेनिंग रहा, तो ए बी
टू से मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो टू टाइम्स ए इंटू बी रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड में, थर्ड में क्या है, प्लस से प्लस कर दो और यहाँ पर ये और ये कट हो गया, बी सी रिमेनिंग रहा, ये बी सी को थ्री से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो थ्री टाइम्स बी इंटू सी रह जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए इंटू सी प्लस टू ए बी प्लस थ्री बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी रह गया। तो हमें यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू भी मालूम है फ्रॉम इक्वेशन फोर रूट सिक्स, ए बी सी का वैल्यू मालूम है रूट सिक्स, और ए बी ए सी ए बी बी सी इन तीनों को भी मालूम है इक्वेशन वन टू थ्री से। तो हमें अभी आसानी से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम आसानी से निकालेंगे। ए सी इज थ्री है प्लस टू टाइम्स ए बी इज वन है, राइट, प्लस थ्री टाइम्स ए सी बी सी क्या है टू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी सी स्क्वायर रूट सिक्स है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स थ्री प्लस टू प्लस सिक्स, थ्री टू ज़ार सिक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिक्स। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स थ्री टू फाइव, फाइव प्लस सिक्स मीन्स इलेवन हो जाएगा, इलेवन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिक्स, ठीक है। डिनोमीटर में रूट सिक्स आ गया, हम रूट सिक्स यहाँ पर हम नहीं रख सकते, इसको रैशनलाइज द डिनोमीटर करेंगे। अगर हम इसे रैशनलाइज द डिनोमीटर किया, डिनोमिनेटर, तो इसके साथ रूट सिक्स जो है इस यही से मल्टीप्लिकेशन कर दो और रूट सिक्स से डिवाइड कर दो, दोनों कर दो, तब ये बनता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स इलेवन टाइम्स रूट सिक्स डिवाइडेड बाई रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स मीन्स रूट सिक्स होल स्क्वायर होता है, रूट सिक्स होल स्क्वायर मीन्स रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, तो स्क्वायर रूट सिक्स होल स्क्वायर हो जाते, तो ये दोनों कट हो गया, तो यहाँ पर सिक्स रहेगा, तो सिक्स रखो। ये हो गया इसका आंसर, ये फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन अगर हमें डेसिमल में अगर चाहिए तो 11 के साथ रूट सिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो भी आंसर मिलेगा उसको सिक्स से डिवाइड कर दो, तब हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इज नियरली इक्वल्स टू कितना मिलेगा 4.49। ये हो गया डेसिमल में, ये भी इसका आंसर ही है, ये है फ्रैक्शन में और ये है डेसिमल में, दोनों इस इक्वेशंस का, इस प्रॉब्लम का आंसर है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।